दिखा दूँ आपको सरसों की सफाई, काफ़ी साफ जो है सरसों निकल रही है, ये देख लो। एक आधा तक तुन का तो देखो आप भाई, दो चार तुन के तो दोस्तों 1600 आरपीएम पर ट्रैक्टर चल रहा है, 0 आरपीएम ड्रॉपेज पे, देख लो पूरा आपके आगे लेके आया हूँ। और इसमें देख सकते हो आपको कूड़े में सरसों तो एक आधा दाना दिखाई देगा, है तो दाना देख लो, एक आधा दाना जो पौधा है, जो मतलब यहाँ से उठा ले मैं इसे, लो ये उठा लिया ऊपर का। और इसमें आप सभी को दिखा दूँ, दाना देख लो, एक आधा दाना मिलेगा कोई, जो पौधा होगा, पौधा होगा या जो बीच में टूट गया कोई एक आधा दाना वो मिलेगा भुस्से में। इधर दिखा दूँ आपको, आवाज लगने का सिस्टम, देख लो ऐसे लड़के हवा से लगा हुआ है इसमें, देखो लाल लगा है, कफरी काट रहे थोड़ी, आज पहला दिन है मशीन का। और इधर दिखा दो आवास का, नीचे गिर दे अभी, इसके दिखा दो एक बार, इसमें सिस्टम है देख लो हवास खींचने का, इसमें डल रहे हो हवास खींच के अंदर, ये देख लो सरसों। वीडियो में कोई कटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल साफ आपको दिखाऊंगा, ये देख लो, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का कचरा तो आवेगा सिरसों में, बाकी पूरी साफ सिरसों है। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज आदित्य सिवाच में। तो आज दोस्तों हम आपको दिखाने वाले हैं सामने, ये VS पुन्नी का थ्रेसर चल रहा है सामने, ये हम अभी पिछले महीने ही लेकर आए फरवरी के एंड में, लगभग 24 फरवरी के आसपास। तो दोस्तों आज आप सभी को इसकी हम खासियतें दिखाओगे, कुछ दो तीन खासियतें हैं जो मतलब मेन होती हैं किसी भी थ्रेसर में सरसों निकालने के लिए, तो आज दिखाऊंगा आप सभी को वो चीज़ें। और वीडियो में सभी भाई एंड तक बने रहना, पूरी वीडियो आप सभी को मतलब पूरी जानकारी देंगे मशीन के बारे में, कैसे तो ये मशीन चलती है, क्या ये लोड डालती है ट्रैक्टर के ऊपर, कितने आरपीएम पे चलती है, क्या ये भूसे में सरसों वगैरह तो नहीं उड़ाती क्योंकि जैसे बाकी मशीनें उड़ाती हैं, क्या ये तो ऐसी नहीं है, और इसकी सरसों में सफाई कैसी है। तो बने रहना वीडियो में सभी भाई एंड तक, आपको पूरी दिखाएंगे वीडियो आज। तो अभी फिलहाल शुरुआत करते हैं हम इसके सरसों की सफाई से, तो मतलब सरसों की जो है सफाई ये कैसी दिखती है आप सभी को दिखा दूँ। फिलहाल तो भाई खड़ा सामने है, भाई सरसों भर रहा है, ये देख लो सरसों, ये देख लो, थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का कचरा तो आवेगा सरसों में, बाकी पूरी साफ सरसों है। और अपना ही खेत आज हम निकाल रहे हैं, यो इधर खड़ा अपना जुन्नो वो, इधर अपना 575, और इधर देख लो सरसों, इसमें को हवा एलिवेटर में को जो ये सामने है एलिवेटर, इसमें कुछ सरसों आती है ऊपर से जब आके खट्टे में डल रहे सामने नीचे ही। अब आपको दिखा दूँ ट्रैक्टर के मतलब आरपीएम, कितने आरपीएम जो है पे जो है ट्रैक्टर चल रहा है और कितना दबा है, मतलब कितना ड्रॉप कर रहा, तो दोस्तों 1600 आरपीएम पे ट्रैक्टर चल रहा है, 0 आरपीएम ड्रॉपेज पे, क्योंकि मैंने ही चलू करा था 1600 आरपीएम पे लगा के छोड़ा था, और हवास भी काफ़ी ठीक ठाक लगा रहे हैं लड़के पीछे, फिर भी आरपीएम ड्रॉपेज 10 से 5 होगी ज़्यादा ज़्यादा। और बाकी अब आपको दिखाऊंगे इसकी जो मतलब सरसों मतलब ये कूड़ी में कूड़े में सरसों तो नहीं उड़ा रहा, ये चीज़ भी आपको अभी दिखाएंगे पूरा, चलते हैं फिलहाल और देखते हैं, देख लो पूरा आपके आगे लेकर आया हूँ। और इधर
इसमें देख सकते हो आपको टूडे में सरसों तो एक आधा दाना दिखाई देगा, है तो दाना देख लो, एक आधा दाना जो बुद्धा है, जो मतलब यहाँ से उठा लेना इसे, लो ये उठा लिया ऊपर का, और इसमें आप सभी को दिखा दो, दाना देख लो, एक आधा दाना मिलेगा कोई जो बुद्धा होगा, पौधा होगा या जो बीच में टूट गया कोई एक आधा दाना वो मिलेगा भुस्से में। तो हमारी ये मशीन जो है काफ़ी हमें कारगर महसूस थी, भुस्सा भी मतलब भुस्से में भी सरसों मामूली कोई दो चार दाने जा रहे, जो वैसे मतलब और थ्रेसर रहे हैं अधिकतर जो है कूड़े में सरसों उड़ा दे रहे बहुत से, मैं नहीं कह रहा कि हर कोई उड़ावे, तो बहुत से थ्रेसर ऐसे हैं जो काफ़ी सरसों उड़ा दें कुछ कम उठावे हैं, पर थ्रेसर कोई भी मेरी नज़र में तो ऐसा है नहीं। हम भी पिछले साल थ्रेसर चलाया हमने भी राजस्थानी, उसने भी कूड़े में हल्की सी सरसों उठाई थी, पर ये जो है फिलहाल अभी कूड़े में सरसों नहीं उठा रहा, बहुत कम है, बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा कम। आपको मैंने दिखा भी दिया मतलब एक आधा दाने दिखाई दिया, और अब आपको दिखा दूँ फिलहाल इसके आवाज वगैरह लगाने का सिस्टम कैसे कैसे आवाज लगाए इसमें, और एक बार फिर दिखा दूँ आपको सरसों की सफाई, काफ़ी साफ जो है सरसों निकल रही है, ये देख लो एक आधा दस तुन का तो देखो आप भाई दो चार तुन के तो इन्हें सफ़ा करने के चक्कर में फिर गड़बड़ कर दी है थोड़ी बहुत मशीन, तो तेरह के टायर है इसमें डले हुए मशीन में, लगभग 35 से 40 क्विंटल का वेट है मशीन का। और इधर दिखा दूँ आपको आवाज़ लगने का सिस्टम, देख लो ऐसे लड़के हवा से लगा हुआ इसमें, देखो लाला कह रहे सफरी काट रहे थोड़ी, आज पहला दिन है मशीन का और आज हमने शुभारंभ करा अपने थ्रेसर का इसका, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन थ्रेसर दिखा रहा है, और हमने 575 पे इसीलिए चलाया आज ये पहली बार भी, कि ये देखना चाहते थे हम 575 पे चलेगा या नहीं चलेगा, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा 575 का भी इस पर, अर्जुन इधर खड़ा अपना लोगो, और देखते हैं अब आगे कौन से ट्रैक्टर पे चला गया, नोवो पे चला गया 575 पे चलेगा, और इधर दिखा दो आवाज़ का, नीचे गिर दे अभी इसकी दिखा दो एक बार, इसमें सिस्टम है देख लो आवाज़ खींचने का, इसमें डल रहे हो आवाज़ खींच के अंदर, और इधर टूडे का ठीक ठाक ढेर लग गया है, और इधर खड़ा अंकल वाला 575 जो नया निकलवाया था अंकल ने, अंकल भी यहीं पे बैठे हैं हमारे चाचा जी, तो खेत 4 बीघे का खेत है अपना, ये पूरा खाली हो लिया फिलहाल। तो मैंने आप सभी को मशीन की खासियतें दिखा दी, तो जो भी मेरा दोस्त सरसों वगैरह निकालने के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहे वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है दिए गए नंबर पे, नंबर आप सभी को नीचे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, और एक फ़ोटो भी ऐड करूँगा मैं अभी नंबर के लिए, तो जो भी हमारा भाई कांटेक्ट करना चाहे वो कांटेक्ट कर सकता है। हमारा पता है फिलहाल मतलब हम दोराला के रहने वाले हैं, दोराला मेरठ, और जो हमारा भाई मतलब आसपास के 30 से 50 किलोमीटर तक का एरिया में कांटेक्ट करना चाहे वो कांटेक्ट कर सकता है, और 30 से 50 का मतलब ये है कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो तो 30 से 50 के हिसाब का उस हिसाब से देखेंगे, नहीं तो छोटा मोटा तो देखो इतनी दूर जाना अपना ही खर्चा आवागा उसमें जाता है, हमें इतना टूटा बचने का भी नहीं टूटे कैसे भी, तो जो भी भाई हमारे आस पड़ोस का हो और निकलवानी हो काम अच्छा लगा हो मशीन का तो कांटेक्ट करें, या कोई हमारे एरिया का हमारे आसपास का भाई हो कोई आके देखना चाहता हो मशीन को चलते हुए खुद अपनी तसल्ली करना चाहता हो वो भी आके देख सकता है नंबर पर कांटेक्ट करके। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।